यूनुस भाई, एक तो ये बता, ये जो पहले तो ये बताया, ये तो इतने रन बन रहे हैं, यानी कि आज तो नया रिकॉर्ड 525 रन एक मैच में बन गया, और इससे पहले भी 450-450 तो बन रहे हैं, 500 रन बने थे ना, तो ये यानी इस पर आप अप्रिशिएट करेंगे कि भाई हाई स्कोरिंग पिचेस बन रही है या ये ज्यादा ही हो गया, मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब क्या हुआ क्या कि हमने देखा पिछले 4-5 साल में कि लीग्स में खासतौर पर इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने वो देखा कि एबी डिविलियर्स ने वो शॉट्स लेके आए, फिर तिलकराज दिलशन एक कुछ स्कूप लेके आए, वो हम समझते थे कि शायद पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कौन से शॉट्स हैं, फिर कुछ फास्ट बॉलिंग पे कुछ ऐसी वो जो रिवर्स स्वीप टैप आगे खड़े खड़े के छक्के हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए ये होना था ठीक है और यही है अब आगे जाके, और आप अगर इसका फायदा ये होगा कि हम वनडे की बात करें और फिर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, उसमें भी हम यही देख रहे हैं जो अभी एक सीरीज हुई अगेंस्ट इंग्लैंड जिसमें एक एक ओवर में एक एक दिन में 400 और 500 रन बन गए, तो मेरे ख्याल से ये हो तो होना था, ओके ये होना था, और इसकी देखिए हम जो पीएसएल की ब्रांड की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी ऐसा कुछ है कि स्टेडियम का पिचेस बहुत अच्छी है, उसके बाद बाउंड्री करनी पड़ी क्योंकि अगर हम पीएसएल एंटरटेनमेंट 4-5 पीएसएल पहले के देख लें तो इवन दुबई में होता था, बड़े बड़े ग्राउंड होते थे, अबू धाबी में मैचेस होते थे, तो हमें वहां ये लगता था कि यार 150 रन हो रहे हैं, मजा कुछ नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से ये तो होना था, कॉल देम गुड पिचेस, ये अच्छा ऐसी मननी चाहिए, और देखिए अगर हम ये कहें कि ये पिचेस बिल्कुल ही मुर्दा पिचेस हैं, अगर ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है, आज भी आउट हुए जो बॉलर्स जिनके पास वेरिएशन है, पेस मौजूद है, तो उन्होंने आउट भी किए हुए हैं, आज फिर देख लें अब्बास अफरीदी ने 5 आउट किए, हैट्रिक कर ली भाई अब्बास अफरीदी ने, हैट्रिक किया है वैसे, बड़ी तालियां, 5 विकेट लिए इन्हीं पिचेस पे, और एक और आज ही की पिच पे नहीं, दो के आज उनको रन ज्यादा हुए, लेकिन पिछले मैच की बात करें तो वहां भी उन्होंने पिछले मैच में भी ऐसी बॉलिंग की, वहां उनको रन नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से ये एक तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये कि इनोवेशन बहुत आई है बैटिंग में, सही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल ही पिचेस की वजह से है या बिल्कुल ही ग्राउंड की वजह से है या बाउंड्रीज की वजह से, और क्वेटा का सफर खत्म हो गया, सो अगेन अ बैड टूर्नामेंट फॉर क्वेटा लाइक कराची किंग्स, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि थोड़ा सा लेट ऑन हुए कॉम्बिनेशन को लेके, मैच कौन से उनके मैच विनर्स थे, उनकी फॉर्म भी लेट आई, तो मेरे ख्याल थोड़ा लेट आई, लेकिन देखिए फिर अभी आ जाने का आधा साल में तो लर्न करें, क्वेटा भी हमारी तरह पीएसएल 9 में पहुंच गया है, बिल्कुल तो ये इन दोनों टीमों को, ये दो टीमें पहली दो टीमें अगले पीएसएल में, देखिए क्वेटा ग्लेडिएटर्स को और कराची किंग्स को ये जरूर समझना है, ये बहुत बड़ा नाम है, सही है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और अगर 4-5 सीजन पहले की बात करें तो टॉप टीम इसमें होती थी, सही, तो प्लीज वापस आए ताकि ये जो एंटरटेनमेंट है ना उसमें ये भी हिस्सा डाले, और जो हम कराची वाले हैं या क्वेटर के सपोर्टर्स हैं या कराची के सपोर्टर्स हैं और वो सपोर्टर जो कि क्रिकेट के सपोर्टर हैं, सही है, तो उनके लिए ये दोबारा टूर्नामेंट वह कमरे में टूर्नामेंट वन साइडेड भी ना हो जाए, इस दफा टूर्नामेंट के शुरू के 4-5 मैचों में ऐसा लगने लग गया था कि यार ये दो आउट हैं और अगली 4 इन है, तो टूर्नामेंट इतना प्रिडिक्टेबल भी ना हो जाए, खैर इफ्स एंड बट्स थे हमेशा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज तक थे, हाँ ठीक है, जैसे आज कोटा को एक जीता फिर पेशावर जैसे साथ, लेकिन एक इंप्रेशन बन रहा था कि यार शायद फंस जाएंगी ये टीम है, और वो फंस ही गए, लेकिन अच्छा आज शाहिद आफरीदी का एक रिकॉर्ड टूटा है जिसमें शाहिद आफरीदी बहुत खुश होंगे, अच्छा वर्ड टूट गया, 4 ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड कुछ और खिलाड़ियों का और लाला का था, 4 ओवर में 66 रन देने का, आज वो रिकॉर्ड टूट गया, कैस अहमद ने 4 ओवर में 77 रन दिए इससे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, ब्रेक राउंड ऑफ अपना, और इसी तरह अगर मेहनत करते रहे तो इस पे तालियां की बातें बजा रहे हो यार, हमें बात पे तालियां बज रही है, देखिए मेहनत पे तालियां बजा रहे हैं, क्या मेहनत की है, इसी तरह और मेहनत करेंगे तो 100 भी देंगे आप, नहीं वो इंशाल्लाह भाई, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो जितने कम रन पड़े उतना अच्छा होता है, बैटिंग में जितने ज्यादा, मैंने उनको कल ही समझाया था जितने ज्यादा रन उतना अच्छा होता है, अच्छा वो बैट्समैन के लिए बताया था मैंने आपको, अच्छा आप कह रहे थे ना रन दिए तो मैंने कहा अगला दे रहे तो भाई नहीं नहीं मतलब ये बुरा होता है नहीं देने से, बुरा आप अपने, मैं उनको मशवरा देना चाहूंगा आप मेहनत थोड़ी कम करें, बहुत रन दे रहे हैं, हाँ भाई देखिए जब आपको पता है कि पिंडी में स्पिनर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे, एक्सपेंसिव हो रहा है, स्पिनर्स को रन हो रहे हैं, तो आप स्पिनर्स को फिर पावर प्ले में बॉलिंग करवा रहे हैं तो फिर रन तो होंगे ना, सही फिर 36 बॉलों पे 100 होना, तो उसमें फिर पहले 2 ओवरों में 54 रन हुए उसको, तो ये तो ज्यादा है, 27 पहले तो देखिए मैच पे जो भी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉलिंग बिल्कुल ही फारिग हो गई है, ठीक है, आपको इंडिया में जाना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, सही है, तो वहाँ पे भी ऐसी पिचेस होंगी, ओके, वहाँ पे भी क्वालिटी बैटिंग और अच्छी होगी, तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हमारे बॉलर्स ने तैयारी करके जाना, तो इन पिचेस पर आपको भी कोई इतराज नहीं, अच्छा नहीं ऐसे ही होनी चाहिए, T20 ऐसे ही है, ऐसी कंडीशन में ऐसी पिचेस पे ही होती है, और क्रेडिट देना चाहिए, 50 में तो हजार रन बनेगा क्या, जब 20 ओवर में 262 तक बात आ गई है
तो 50 ओवर में 800-900 बनेंगे, क्या होगा? अब 50 ओवर में 350-450 ओवर यहाँ के करीब जो टॉप की टीमें इतना ही रन कर रही हैं, तो अब मेरे ख्याल से अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, अवेयरनेस इतनी आ गई है, उसके मुताबिक अपने आप को डेवलप करें। और बैट्समैन अच्छी चीज है कि हमारे बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं, बड़े रन कर रहे हैं, तेज रन कर रहे हैं, अपनी शॉट्स डेवलप की हुई है, और इसका फायदा इंटरनेशनल क्रिकेट में होगा। बाउंड्रीज आप कह रहे हैं छोटी है, वो पहले साल से ही इतनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मार्जिन रखा कि नेशनल स्टेडियम और कजापी के मुकाबले में पिंडी ज्यादा छोटा स्टेडियम है, लेकिन बाउंड्री भी उतनी है जितनी लाहौर में भी रखी हुई है, जितनी कराची में भी रखी हुई है। थोड़ा मार्जिन देना चाहिए जब ऐसी पिचेस बने, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए उस्मान को, जैसे उसने बैटिंग की 36 बॉलों पे 100, और टॉप की बॉलिंग जो लीग को बॉलिंग की वजह से पहचाना जाता है, उस बॉलिंग पे 100 करना इतना इजी नहीं होता, और क्वेटा को भी 253 रन बनाए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और मेरे ख्याल से जबरदस्त। आपकी हैंड मैक उठा ले, आपके माइक से जरा आवाज जरा अच्छा ये बताएं। हाँ, इसमें जवाब दीजिएगा, वो इफ्तिखार आज अच्छा खेले और 50 बनाई, बड़ा मतलब खुशी, लेकिन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, आपको अगर समझ में आया बता दें, मतलब हर बंदे का एक सेलिब्रेशन का स्टाइल होता है, विच इज फाइन, उसका लेकिन वो आप स्टाइल के बारे में क्या कहेंगे कि वो ऐसा लग रहा था ये वाला स्टाइल था ना? देखिए पता नहीं किस वजह से वो कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या जरूरत थी, जब सेलिब्रेट करें जिस तरह का, लेकिन करें जरूर, लेकिन दूसरी कोई चीज ऐसी कर ले, सेलिब्रेशन में दूसरे को हिट करने की जरूरत नहीं है, अपना सेलिब्रेट आप करें, ऐसा जब आप अच्छा करते हैं हम लोग भी सारे आप लोग तारीफ करते हैं, यहाँ पे बिठाते भी हैं फिर लाके हम लोग, तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से चलना चाहिए, ये वही चीज है, उड़ता तीर फाड़ ले। ये जब आमिर भी कर रहे थे तब भी हम यही कह रहे थे कि यार इतना जबरदस्त बॉलर है भाई, क्या जरूरत है, मैच्योरिटी है, सीनियर है और इतनी क्रिकेट खेला हुआ, तो मेरे ख्याल से अपने आप को जरा बेहतर हम बार बार बात करेंगे, जो डिस्ट्रक्शन होती है ना ये नहीं होनी चाहिए, आप अपना गेम खेलें, और क्या ही मजा आता कि वो आज 150 रन कर दे, ठीक है, और 150 रन करते उसके बाद मैच जिताते अपने टीम को, तो क्या ही बात है, ठीक है सेलिब्रेशन आप बिल्कुल करें, सही है, लेकिन देखिए जेंटलमैन्स का गेम तो है कहीं ना कहीं, ये क्रिकेट जो है हम कहते हैं जेंटलमैन्स का गेम है, ये तो मेरे ख्याल से, और फिर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में तो वैसे ही आपको स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट्स का फिर बाजूकात आपको करना चाहिए, ठीक है, आप रन करें, खूब इंजॉय करें, जितने सेलिब्रेशन कर सकते हैं करें, लेकिन ये है कि वो बच्चे देख रहे होते हैं, यंगस्टर देख रहे होते हैं, तो मेक श्योर हमारा कोई ऐसा जेस्चर ना हो, खासतौर पर जब इस लेवल पे खेल रहे हो, क्योंकि यंगस्टर ने देखना होता है, बच्चों ने देखना होता है, उसके लिए रोल मॉडल भी जरूर बनना है। देखिए ग्रेट प्लेयर्स है ना, जैसे लाइक इंजी भाई हैं, सचिन तेंदुलकर, कितने बड़े परफॉर्मर है, उनकी सेलिब्रेशन देखें कितना काम डाउन है, और ये मेरे ख्याल से एग्जांपल यंगस्टरों के लिए सेटल करनी चाहिए। और वसीम भाई जी सर, आप ये देखें कि सेलिब्रेशन की बात हो रही है तो मैं भी तो सेलिब्रेट करता हूँ, मैंने तो कभी कामरान भाई को ऐसे नहीं किया, मैं उनका माथा चूमता हूँ, मैंने उनका जब भी माथा चूमा उन्होंने कहा यार मुझे अपने घर की याद आ जाती जब तुम मुझे प्यार, आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे होनी चाहिए सेलिब्रेशन यार, माता चूमा अच्छा लगेगा, मैं आपको यहाँ बैठ के यूं करता रहूं ऐसा अच्छा नहीं लगेगा।